बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म शेरशाह में उनके परफॉर्मेंस के लिए ऑडियंस और क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान चाहते थे कि इस फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार उनके जीजा आयुष शर्मा निभाएं। उन्होंने मेकर्स को अप्रोच भी किया था, अगर ऐसा होता तो यह आयुष शर्मा की डेब्यू फिल्म होती। आयुष शर्मा ने फिल्म लव यात्री से बॉलीवुड फिल्म में डेब्यू किया था। शेरशाह के प्रोड्यूसर शब्बीर बॉक्सवाला ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि सलमान खान ने आयुष के नाम के साथ उन्हें अप्रोच किया था। हालांकि प्रोड्यूसर ने कथित तौर पर बत्रा के परिवार को सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम पहले ही बता दिया था और उनके बीच पहले से ही एक मीटिंग हो चुकी थी। शब्बीर बॉक्सवाला का कहना है कि उन्हें किसी भी एक्टर से फिल्म छीनना अनैतिक लगता है। उन्होंने कहा कि जब कैप्टन बत्रा के परिवार ने उन्हें अधिकार दिए तो वह उनके लिए एक बड़ा पल था और वह किसी भी कदम पर गलत होना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने सलमान को समझाया, जो कि वो समझ गए। यहाँ तक कि आयुष ने उन्हें कहा कि उनकी पहली फिल्म में दोहरे किरदार निभाना एक लंबी प्रक्रिया है। आयुष शर्मा ने सलमान के प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स के तहत वरीना हुसैन के साथ लव यात्री के साथ पहली शुरुआत की। फिल्म को क्रिटिक्स ने सराहा लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। आयुष शर्मा की अगली फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ है। इस फिल्म में सलमान खान भी हैं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।